तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि दो अगर लोशो ग्रिड में तीन बार आता है तो ये नेगेटिव माना जाता है। लेकिन ये नेगेटिव किन लोगों के लिए माना जाता है? जो लोग 1999 तक पैदा हुए थे उन लोगों के लिए दो तीन बार आना लोशो ग्रिड में नेगेटिव है। लेकिन अगर आप 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हो तो तीन बार अगर दो आ रहा है तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है। इसका मतलब है मून अपनी फुल स्ट्रेंथ पर है। लेकिन अगर चार बार आ रहा है उस केस में थोड़ा सा मून का आपको वो इमोशनल हाइप ज्यादा रहेगी, इमोशनल हाइप ज्यादा रहेगी। अब आपने ये देख लिया कि चंद्रमा है, आपने आपको ये समझ में आ गया कि ये चंद्रमा है और चंद्रमा चंद्रमा किसी का किसी के लोशो ग्रिड से आपने देखा चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, मान लीजिए ये व्यक्ति पैदा हुआ है 20 फरवरी 1992 को, ठीक है, तो इसके लोशो ग्रेड में कितने बार तीन दो आएगा? तीन बार, ठीक है। और एक व्यक्ति पैदा हुआ है 19 फरवरी 2002, इसके लोशो ग्रिड में भी कितनी बार तीन आएगा, कितनी बार दो आएगा मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यहां पर भी तीन बार दो है, जो 20 फरवरी 1992 को पैदा हुआ है उसके लोशो ग्रिड में भी तीन बार दो है, जो 19 फरवरी 2002 को पैदा हुआ है उसके लोशो ग्रिड में भी तीन बार दो है। अब इस केस में ये जो ये वाला केस है यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो मून है वो कैसे बिहेव कर रहा है इस व्यक्ति के लिए। मान लीजिए इसका नाम मिस्टर एक्स है और इसका नाम मिस्टर वाई है, तो मिस्टर एक्स के लिए मून कैसे, ये व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे कि एक्सेस में इमोशनल है, ये व्यक्ति अत्यधिक इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशंस है इसके, इसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आप यहां पर एक सेकेंड क्या हो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ठीक है, ये पैदा हुआ है बिफोर 2000 और ये पैदा हुआ है 2002, मतलब आफ्टर 2000, 2000 के बाद पैदा हुआ है, ये 2000 से पहले पैदा हुआ है। यहां पर मून क्या है, यहां पर मून की एनर्जी नेगेटिव है और यहां पर मून की एनर्जी क्या है, यहां पर मून की एनर्जी फुल पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? मिस्टर एक्स के लोशो ग्रिड में भी तीन बार दो आ रहा है और मिस्टर वाई के लोशो ग्रिड में भी तीन बार दो आ रहा है, लेकिन एक जगह पर हम कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर मून जो है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि दो बार आ गया है, एक्सेस में हो गया है। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, नहीं इधर ये पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 2000 के बाद, क्योंकि दो तो एक सबसे पहली बात है, यहां पर दो क्या हो गया है, सन 2000 के बाद दो सबके पास है, डिफॉल्ट सबके पास है, इनके पास एक्स्ट्रा में है ये दो, बाकी के दो। तो यहां पर अब आपको देखना है, अब आप यहां पर जो आप देखेंगे ना, यहां पर हम देखते ये नहीं कह देंगे कि नहीं नहीं ये तो नेगेटिव हो गया है और ये नेगेटिव हो गया है और नेगेटिव है ये, ऐसे तो सही नहीं है एंड ऑल, ऐसा नहीं कह देंगे हम। यहां पर हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे अब कि जिस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब 1999 से पहले पैदा हुए लोगों के चार्ट में दो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके चार्ट में दो तीन बार आता होगा, हर किसी का नेगेटिव, और वो नेगेटिव है तो किस तरह से नेगेटिवली काम करेगा। चंद्रमा अगर नेगेटिव हो गया है या फिर मून की एनर्जी एक्सेस में हो गई है,
जो मून की एनर्जी ने नेगेटिव शेड ले लिया है, दिमाग अगर नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है तो वो किस तरह से नेगेटिवली काम करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ था उस दिन आपको देखना होगा कि वो उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि में था। जिस दिन जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, अगर किसी का चंद्रमा पॉजिटिव है, आपको लोशो ग्रिड से ये तो पता चल गया कि ये चंद्रमा पॉजिटिव है, ये चंद्रमा नेगेटिव है, तो वो किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिवली बिहेव करेगा, ये डेप्थ आपको कहां से आएगी कि वो चंद्रमा उस दिन कौन सी राशि में था। अब मैं कहती हूं कि मान लीजिए मिस्टर एक ए व्यक्ति है, ये भी बड़ा इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, दूसरा व्यक्ति भी बहुत इमोशनल है, लेकिन दोनों के इमोशन में फर्क क्या है? जैसे जो ए व्यक्ति है वो बहुत इमोशनल है, जब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो रोना धोना शुरू कर देता है, लेकिन जो मिस्टर बी व्यक्ति है ये भी बहुत इमोशनल है, लेकिन जब इसको प्रॉब्लम होती है तो ये चीखना शुरू कर देता है, ये रोता नहीं है, ये चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। इमोशन तो इमोशन है ना, अब रोना भी इमोशन है और गुस्सा करना भी इमोशन है, चीखना चिल्लाना भी इमोशन है, ठीक है? तो इमोशनल व्यक्ति किस तरह से अपना इमोशन बाहर निकालेगा, वो अपना इमोशन को एक्सप्रेस किस तरह से करेगा, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे मिस्टर एक्स का एग्जांपल, जिसमें मिस्टर एक्स के जो चंद्रमा था उसने नेगेटिव शेड ले लिया है। मान लीजिए हमने जाकर इसके चार्ट में देखा कि चंद्रमा एरीज राशि में है, चंद्रमा एरीज राशि में है, मिस्टर एक्स का भी चंद्रमा एरीज राशि में, जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन चंद्रमा एरीज राशि में था, दोनों लोगों का, मिस्टर एक्स का भी और मिस्टर वाई का भी, लेकिन मिस्टर एक्स का चंद्रमा नेगेटिव है, मिस्टर वाई का चंद्रमा पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, मिस्टर एक्स किस तरह से बिहेव करेंगे। मिस्टर एक्स का चंद्रमा, जिनका चंद्रमा नेगेटिव है, जिसके चंद्रमा ने नेगेटिव शेड ले लिया है, अब चंद्रमा जब एरीज में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने मन की बात अपने मन में नहीं रख पाता, एकदम से बाहर निकाल देता है, गुस्सा आएगा एकदम से बाहर उसके मुंह पे दिख जाता है, उसके जो चेहरे के इमोशंस होते हैं ना, मतलब उसके जो मन के इमोशंस होते हैं वो उसके चेहरे पर दिख जाते हैं, क्योंकि एरीज क्या है, पहली राशि है। तो जब चंद्रमा एरीज राशि में होता है तो क्या होता है कि मुंह के जो भाव है एकदम, एरीज पहली राशि है, बच्चा राशि है, स्टार्ट किया है इधर से हमने, तो यहां पर क्या होगा, तुरंत जो भी इमोशंस होंगे वो तुरंत बाहर निकल कर आ जाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ये है वो है, नॉल सब एकदम से रिएक्ट ऐसे करेगा, और उसके जो चंद्रमा नेगेटिव होने की वजह से अपने ऐसे लूप होल्स बता देगा जो नहीं बताने चाहिए थे। वहीं पर मिस्टर वाई, जिनके केस में हमने देखा कि जो तीन बार आ रहा था दो, लेकिन चंद्रमा पॉजिटिव था, अब ऐसे केस में यहां पर भी चंद्रमा एरीज में है, लेकिन अब इनका चंद्रमा कैसे बिहेव करेगा कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई वैसे ही क्या सोचेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा, वैसे ही इसके इमोशंस, सारे के सारे इमोशंस कहां लग जाएंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पर लग जाएंगे, इनस्पाइट ऑफ उस प्रॉब्लम को लेके बैठ के रोने के। ये पॉजिटिव चंद्रमा करेगा एरीज में और नेगेटिव चंद्रमा एरीज में इस तरीके से काम करेगा। आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम नंबर्स को हम किस तरीके से प्लैनेट वाइज देखते हैं, कि कैसे आप किसी का नंबर है, हम बेसिकली देख प्लैनेट्स ही रहे हैं। जब भी आप नंबर्स के बारे में बात करो तो हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो हम बेसिकली, आप कोई भी नंबर देखोगे किसी के भी लोशो ग्रिड में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी कहने से ज्यादा बेहतर है कि आप ये देख लो कि वो जो प्लैनेट है, वो व्यक्ति जिस दिन पैदा हुआ था वो प्लैनेट कौन सी राशि में था, कौन सी जमीन पर था, ठीक है? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं ना आज यूट्यूब पर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने एरीज राशि को बहुत अच्छे से समझाया है, आई थिंक वो दिवाली के बाद शायद लाइंड अप है, मैंने एरीज राशि को बहुत डिटेल में समझाया है वहां पर, आप प्लीज जाकर देखना। आपको राशियों को जितना डिटेल में समझ पाओगे ना, उतना ज्यादा अच्छा आपको न्यूमरोलॉजी आ पाएगी, उतनी ज्यादा अच्छा आपको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आ पाएगी, कनेक्शन उतना ही ज्यादा अच्छा बैठ पाएगा, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है। अब चंद्रमा, जब भी आप कोई भी व्यक्ति देखते हो दो नंबर वाला, तो आप क्या बोलते हो, जैसे ही चंद्रमा के बारे में बात आती है बात करते हैं हम इमोशंस की, बात करते हो कि ये व्यक्ति इमोशनल होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 2 तारीख को पैदा हुआ है, वो 11 तारीख को पैदा हुआ है, वो 20 तारीख को पैदा हुआ है, वो 29 तारीख को पैदा हुआ है, वो व्यक्ति इमोशनल होगा।
इमोशनल का मतलब मैं बार बार बताती हूँ, इमोशनल का मतलब केवल रोना धोना नहीं होता है। इमोशंस, हमारा गुस्सा भी हमारे इमोशंस हैं, किसी को हेल्प करने का भाव भी हमारा इमोशन है, किसी के मन की बातें समझ लेना भी हमारा इमोशन है। किसी सिंपल सी बात है, इमोशन इज लाइक योर केयर। अब आप वो केयर किस तरह से करो, ये डिपेंड करता है आपका चंद्रमा कौन से भाव में। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति, ध्यान देना मेरी बात को, अभी तो हम डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति द्वितीय तिथि को भी पैदा होगा तो भी वो क्या होगा, वो इमोशनल होगा, वो काफी इमोशनल होगा, वो केयरिंग होगा, वो लोगों की परवाह करेगा। द्वितीय तिथि मतलब अभी जैसे कि आज आई बिलीव 4:30 बजे तक पूर्णिमा है, 4:30 बजे तक ही आई बिलीव, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ आज 4:30 बजे तक पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। उसके बाद प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। प्रतिपदा मतलब हमारे हमारी पहली तिथि स्टार्ट हो जाएगी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। अभी चंद्रमा पूर्णिमा मतलब चंद्रमा और सूर्य एकदम आमने सामने है, और जैसी सूर्य वो चंद्रमा सूर्य की डिग्री से एक पैर आगे रखेगा, प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, हमारी पहली तिथि हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे शास्त्र के हिसाब से प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। और फिर कल यही टाइम पर 3:30 बजे करीब द्वितीया स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा कल पैदा होता है, द्वितीया की तिथि में पैदा होता है, तो वो भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आएगा चंद्रमा के। केयरिंग होगा, अपनी फैमिली के लिए सोचने वाला होगा। हमेशा देखना, देखो चंद्रमा का, चंद्रमा जो है ना उसका, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको दो नंबर समझ में आएगा, आपको द्वितीय तिथि समझ में आ जाएगी, आपको सेकंड दो नंबर से कनेक्ट होती हुई सारी चीजों को का एक आपको वो मिल जाएगा, मिश्रण मिल जाएगा। तो दो नंबर, चंद्रमा, द्वितीय तिथि किस चीज के लिए, केयर करने के लिए, परवाह करने के लिए। दो नंबर वाले, 11 नंबर वाले, 20 नंबर वाले, 29 नंबर वाले आपको हमेशा ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत किया है, मैंने अपने, और वो करते भी हैं, नो डाउट, उनका वो नंबर वो ऐसा लेकर आया है तो वो करते भी हैं, वो अपने परिवार के लिए सचमुच में बहुत करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं। लेकिन जो रिवर्ट होता है ना, एट टाइम्स वो उनको उतना अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि जितने इमोशंस उनके अंदर है ना दूसरों के लिए, हर कोई तो 2 तारीख को पैदा नहीं हुआ ना, तो सेम इमोशंस वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं, वो मतलब सामने वाला उनके लिए उतना नहीं कर पाता जितना वो कर देते हैं। तो 2 तारीख वाले आपको, 2 तारीख को जो पैदा हुआ है, जो द्वितीय तिथि को पैदा हुआ है, वो इंसान आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत किया, बहुत ज्यादा किया, लेकिन मुझे ना थोड़ा परेशानी मिली है, मतलब मुझे थोड़ा सा, मुझे लोग प्रॉब्लम, मेरे लिए इतना नहीं कर पाते जितना मैं दूसरों के लिए कर लेता हूं। 2 नंबर वालों को, 11 नंबर वालों को, 20 नंबर वालों को, 29 नंबर वालों को खाना पसंद होता है। अच्छा, सही ना, 2 नंबर है ना, चंद्रमा का नंबर है तो वो आहार का है, तो इन लोगों को खाना पसंद है, इन लोगों को अलग अलग जगह घूमना पसंद है। चंद्रमा घूमता है, घूमने का कारक है, चंद्रमा से ज्यादा स्पीड किसी और प्लैनेट की नहीं है। इनका मन बहुत भागता है, इनके इमोशंस कंट्रोल में होंगे या नहीं, इनको जो बीमारी भी होती है ना, वो भी खाने, गलत खान पान की वजह से होती है। अगर 2 नंबर वालों की बात की जाए तो इनको सारी बीमारियां भी वही होती है जो गलत खान पान की वजह से हो गई होती है। 2 नंबर के साथ जब कोई ऐसा जब आपके चार्ट में, जब आपके लोशो ग्रिड में 2 नंबर की अधिकता हो जाती है, 2 नंबर बहुत ज्यादा बार आ जाता है, तो सारे पेन्स किससे, सारे पेन, सारे गेन्स सब किससे होने लग जाते हैं, वो चंद्रमा किससे होने लग जाते हैं, वो मून से होने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कह सकते हो आप, जिसके चार्ट में आपको 2 बहुत बार दिखाई दे, तो आप उसको सिंपली एक रामबाण इलाज बता दो उसको, मतलब उसको सिंपल वो आपसे पूछे कि वो उसको क्या काम करना चाहिए, आप उसको ये बोल दो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे, ना मुझसे पूछो, ना इससे पूछो, ना किसी और से पूछो, किसी से मत पूछो, जो तुम्हारा मन करे, चंद्रमा आपका मन है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो काम करो तो खुश रहोगे। अगर चंद्रमा वाले पर आपने अपने मन का कोई भी काम थोप दिया, या आपने उसको ये बोल दिया कि तुम ये काम कर लो या ऐसे कुछ कर लो, वो पूरा टाइम आपको कर्ज करता रहेगा, आपको बोलता रहेगा कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से वैसा हो गया, वो खुश नहीं रहेगा उस काम में जो उसने किसी और की वजह से ऑप्ट किया होगा।
जो अपने मन, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जब जब भी किसी के भी, इनफैक्ट अगर कोई 2/11/20/29 को पैदा नहीं भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो कि इसके लोशो ग्रिड में 2 बहुत बार आ रहा है, या फिर आप ये देख रहे हो कि चंद्रमा कुंडली में बली है, बहुत ज्यादा बली है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने मन का काम करेगा ना तो वो बहुत प्रोग्रेस करेगा, और अगर वो किसी और के मन के हिसाब से काम करेगा तो डाउन जाएगा। तो चंद्रमा जब बली हो तो इंसान का जब तो इंसान को क्या करना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो अपने मन का हो। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा बली होता है, या फिर जो 2/11/20/29 को पैदा हुए हैं, या जिनके लोशो ग्रिड में 2 बार आ रहा है, या जो द्वितीय तिथि को पैदा हुए हैं, ऐसे लोग आपको बहुत टॉकेटिव मिलेंगे, कहानियां बनाएंगे, इनसे कहानियां सुन लो, जितनी मर्जी इनसे कहानियां सुन लो, एक छोटी सी बात होगी उसके ऊपर कैसे 1 घंटे की कहानी बना सकते हैं। ये 2 नंबर वालों को परफेक्टली आता है, ये आपको पूरा डिटेल बता देंगे, हम यहाँ गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हमने वो किया, फिर हमने ये खाया, फिर हमें वो दिखा, फिर हमने उससे ये बात की, वो सब चीजें बता देंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर की कहानी करना 2 नंबर की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो 2 नंबर जब जब भी हम बेसिकली ना, हम यहाँ पर 2 नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। अभी आप चंद्रमा प्रधान, मैं चंद्रमा प्रधान बोलूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पर चंद्रमा प्रधान लोग, अब ये लोग कहीं जाते हैं, तो ये लोग कहीं जाते हैं ना, तो इनको ना ऐसे सामने वाले ने कुछ ऐसा गलत बोला भी नहीं, कुछ ऐसा गलत कहा भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सेंस हो जाता है कि यार ये ना नेगेटिव सोच रहा था। ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, सेंसिटिविटी, आप समझ रहे हो, मून इज योर सेंसिटिविटी। तो उनके अंदर सेंस करने की ताकत बहुत ज्यादा है, तो सामने वाले ने मुंह से तो अच्छा बोला, लेकिन अगर मान लो मन में खराब सोच रहा था ना, दे कैन सेंस इट, ये सेंस कर लेंगे, ये सूंघ लेंगे उस चीज को कि अरे मतलब नहीं, इसका ना ठीक नहीं लगा मुझे, ये सही तरीके से नहीं, इनके मन में कुछ और चल रहा है। ये 2 नंबर वाला, ये बेसिकली चंद्रमा है, इनको अगर ये कहीं जा रहे हैं, इनको खाने के लिए नहीं पूछो तो क्या होगा, दे वॉन्ट फील गुड। आप मतलब आप इनको खाने के लिए नहीं पूछ रहे हो, आप इनका अपमान कर रहे हो, क्योंकि ये 2 नंबर है, इनका इनका इनकी जिंदगी घूम रही है ना, इनकी जिंदगी अपनेपन पे घूम रही है। और जब आपके अपने घर में आते हैं, आप खाना खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? जब भी कोई आपका अपना घर में आता है, आपका कोई रिश्तेदार घर में आता है जिसे आप प्यार करते हो, उसके लिए आप क्या सोचते हो? इनकी जिंदगी केयर के ऊपर घूम रही है। चंद्रमा माँ का कारक है, माँ अपने बच्चे के लिए सबसे पहले क्या सोचती है, सबसे पहले इसका पेट किस तरीके से भरा जाए। माँ का सबसे पहला कर्तव्य क्या है अपने बच्चे के लिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको दूध पिलाया जाए, इसका पेट भरा जाए। तो माँ का कर्तव्य खाना खिलाना, वो चंद्रमा का कर्तव्य है बेसिकली। तो चंद्रमा का फोकस है खाने के ऊपर, चंद्रमा का फोकस है केयर करने के ऊपर, माँ सेंस कर सकती है। बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा बोल के नहीं बताता मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बट माँ सेंस कर लेती है। तो चंद्रमा का सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई है, तो इसी वजह से कहा गया कि चंद्रमा इमोशन है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा दूध है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा बेसिकली आप समझ पा रहे हो चंद्रमा को अच्छे तरीके से कि क्या है एग्जैक्टली चंद्रमा। चंद्रमा वाले लोग क्यों सेंस कर लेते हैं, बिना बोले बिना बात किए आपकी आपकी भावनाओं को सेंस कर जाएंगे। चंद्रमा वाला इंसान, आप उसको 5-स्टार किसी अच्छे से जबरदस्त से जगह ले जाओ, कोई अच्छा सा स्पा है, बढ़िया से उन्होंने बहुत अच्छे से स्पा किया, बहुत अच्छी सर्विस दी आपको, सब बढ़िया किया, और बाद में उन्होंने आपको 2 बड़े मतलब बड़े टेस्टी से बिस्किट सर्व कर दिए, अच्छे से कुछ उन्होंने आपको पीने के लिए दे दिया, आपने 5,000 रुपए का स्पा कराने गए थे आप, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से स्पा की सर्विस दी आपको, बहुत ढंग से जो भी चीजें होनी चाहिए थी सारी चीजें सब बढ़िया तरीके से करी, और बाद में उन्होंने आपको 50-100 रुपए का बिस्किट खिला दिया बस, और थोड़ा सा वो दे दिया। आप चंद्रमा वाले लोग गाने गाएंगे इस बात के, अरे वहां जाओ वो बहुत बढ़िया जगह है, वहां का तो हॉस्पिटैलिटी अलग है, ये है वो है, वो पूरी दुनिया भर में वहां पर ढिंढोरा पीटेंगे उस पर्टिकुलर जगह का जिसने उनको अच्छा, उनके मन को तृप्त किया होगा, उनको खाना खिलाकर, उनको उनको खाना खिलाया होगा।
वो खाने का एहसान मानते हैं, उनका सब कॉन्शियस, मतलब वो कॉन्शियसली मान नहीं रहे इस बात को कि हम खाने की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनका सब कॉन्शियस, क्योंकि जो भी हम कर रहे होते हैं ना, वो हमारा सबकॉन्शियस हमसे करवा रहा होता है एक्चुअली में, हम हमारा डिजाइन है, हमारा पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न है ना उनका, आप उनको खाना खिलाओ, आप उनको के साथ प्यार से बातें करो, वो आपके हो जाएंगे, कंप्लीटली आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चंद्रमा, और अगर आपने उनको सारी बढ़िया सर्विस दी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से उनके साथ काम, ध्यान देना, आपने उनके साथ बहुत प्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया, और प्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया, उन्होंने पैसे दिए थे स्पा के, और आपने स्पा किया और बहुत बढ़िया तरीके से उनको सारी सर्विस दी, और स्पा में अपनी सारी जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो सारी चीजें की उन्होंने, मतलब जैसे जो शिरोधारा टाइप का होता है कि शिरोधारा होता है, और उसके बाद वो आपके सर की वो करते हैं, फिर आपको भाप में बिठाते हैं, एंड ऑल वो सारे प्रोसेस आपने बहुत अच्छे से किए, लेकिन बाद में उन्होंने खाने आने के लिए कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर थिंग ना। वो कहेंगे ठीक है, सही है, चले जाओ, ठीक है, अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, बट कोई ना उनकी कहानियां सुनाएंगे, ना उनके कोई गाने गाएंगे, कुछ नहीं। उनके लिए वो एक नॉर्मल जगह थी, क्योंकि यहां पर उनके मन को नहीं छुआ गया, यहां पर उनके इमोशंस को नहीं छुआ गया, ठीक है। इसी वजह से जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो कभी भी मंदिर से खाली हाथ नहीं भेजा जाता। हम आपके मन को छूने के लिए, आपका आपके मन को, कोई भी व्यक्ति के मन को छूने के लिए खाना बड़ा जरूरी है। आपकी आपके टेस्ट बड्स, आपका चंद्रमा एक्टिव होना चाहिए, सेकंड हाउस एक्टिव होना चाहिए आपका, ठीक है। इसीलिए हमको वो जल दिया जाता है, क्योंकि जल के पास मेमोरी है, वो पूरे जो भी मंदिर में चैंटिंग होती रहती है, सारे का सारा जल अपनी मेमोरी के अंदर रखता है, उसको सुनता है, और फिर आप वो जल ग्रहण करते हो, और साथ में आपको कुछ मीठा दिया जाता है, कुछ प्रसाद दिया जाता है, जिससे कि आपका मन खुश हो, मन तृप्त हो आप। तो चंद्रमा इज ऑल एंड ऑल अबाउट योर मन, ठीक है। दो नंबर राशि सिर्फ और सिर्फ आपके मन के बारे में बात करती है। अब बात करते हैं तीन नंबर की, अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, अगर इन जनरल अगर एक प्लैनेट के बारे में बात करूं, तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसको यूनानिमसली मतलब हर कोई वोट करे और हर कोई पॉजिटिव में वोट करे। तो हर हमारे हर ऋषि ने अपने हमारे हर क्लासिक्स में जुपिटर एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसको हर किसी ने बोला कि ये भाग्य कारक है, ये भाग्य कारक है। और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में ना हम जुपिटर को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये भाग्य कारक है। एक जुपिटर बड़ा अच्छा ग्रह बोला गया, जो कि अनडाउटेडली कोई इसमें शक नहीं है कि जुपिटर इज अ वेरी गुड प्लैनेट, भाग्य कारक है। और दूसरा शुक्र को क्लासिक्स में पढ़ोगे ना, तो वहां पर जुपिटर की ज्यादा तारीफ हुई है, शुक्र की थोड़ी कम तारीफ रह गई है। लेकिन क्योंकि मैं यहां पर आज कलयुग में बैठकर आपको ये बता रही हूं, और कलयुग में बैठकर हम लोग एक क्लास कर रहे हैं, तो आज के समय स्थिति परिस्थिति ये जो नो काल देश पात्र के हिसाब से आपको इवेंचुअली लगेगा कि यार शुक्र जो चीजें हमें चाहिए ना, वो चीजें हमें शुक्र दे रहा है। आपको इवेंचुअली ऐसा लगने लगेगा कि जो चीज हमें चाहिए वो चीज हमें शुक्र दे रहा है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हमने कहा कि ये हमें वेल्थ देता है, ये हमें मतलब पैसा देता है, ये हमें लव रिलेशनशिप्स देता है, ये हमारा कंफर्ट का कारक है, लग्जरी का कारक है, बड़े घर का कारक है, बड़ी गाड़ी का कारक है। आपको इसके अलावा और आपको जिंदगी में एक्चुअली में कुछ चाहिए नहीं बेसिकली। शुक्र ये सारी चीजों का कारक है, और जुपिटर हमारे भाग्य का कारक है। हमारी मॉरालिटी, हमारी नैतिकता, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये सही है और ये गलत है, हमें ये बताने वाला कि जीवन में हमारे पास जो रास्ते हैं, हमें उनमें से कौन सा रास्ता ज्यादा बढ़िया है। जुपिटर अमृत की बूंदे, अमृत की बूंदे क्यों कहा गया? आज की डेट में तो हम बोलते हैं अमृत की बूंदे, इसका मतलब पैसे देगा क्या? अरे पैसे नहीं देगा तो काहे की अमृत की बूंदे। लेकिन इसको अमृत की बूंदे इसलिए कहा गया क्योंकि जुपिटर वो प्लैनेट है जो आपको सही गलत में डिफरेंस बताता है।
राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बताता है। तो इसी वजह से जुपिटर को यूनानिमसली हर किसी ऋषि ने क्या बोला कि ये एक बहुत ही शुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रह। गुरु को वैसे भी ये कहा गया ना कि हाँ गुरु, अगर आपको, अगर आप किसी को गुरु बोल रहे हो या आप किसी से कुछ सीख रहे हो तो उसकी निंदा ना करें, उसकी बुराई ना करें, उसके बारे में कुछ नेगेटिव ना बोले। क्यों ना बोले? क्योंकि जुपिटर, आप बेसिकली अपने ना अपने जुपिटर को खराब कर रहे होते हो। आपको सही गलत का फर्क समझ आना बंद हो जाता है एक बार अगर आप जिस व्यक्ति से कुछ सीखते हो उसके बारे में नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वो भाग्य जो जुपिटर प्लैनेट है वो नेगेटिवली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्यों बोला गया? क्योंकि जुपिटर हमेशा ना, जुपिटर हमेशा आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ, आपको कुछ बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि रास्ता डिफिकल्ट हो, रास्ता उतना अच्छा ना हो जितना शुक्र का रास्ता अच्छा है, ठीक है, लेकिन स्टिल गुरु हमेशा क्या कर रहा है, कितना हमेशा गुरु की इज्जत की जानी चाहिए, गुरु को सम्मान दिया जाना चाहिए। गुरु के ऊपर बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। क्यों? क्योंकि गुरु एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको तकलीफ भरे रास्ते पर ले जाकर भी स्वर्ग की तरफ लेके जाता है, और शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कंफर्ट देता है, आपको आपको इस लाइफ में जो भी चाहिए। कितना शुक्र मतलब लक्ष्मी, औरतों का प्लैनेट है शुक्र। जिस घर में औरतों को गलत व्यवहार किया जाता है उस घर से वो सारी चीजें जो शुक्र से रिलेटेड है वो सब चीजें जाने लग जाती है। तो ये दो प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आपका गुरु और एक आपके घर की औरतें। वो क्योंकि आपके घर की औरतें ना आपको सुख देती हैं, आपके लिए वो सारी चीजें करती हैं जो शायद आप कहीं से भी पैसों से नहीं खरीद पाओगे। तो इस वजह से ये तीन और छह, ये दो प्लैनेट ऑल्दो ऑपोजिट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे ना तो हम नाड़ी बनाना सीखेंगे, तो हम नाड़ी में जुपिटर की नाड़ी और शुक्र की नाड़ी बनाएंगे कि कौन से दूसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जुपिटर को कौन सा प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है हमारे चार्ट में, हमारे चार्ट में जुपिटर को कौन सा प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है, और हमारे चार्ट में शुक्र को कौन सा प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है, ये देखेंगे और उसके हिसाब से हम अपने लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए अभी बेस पर रहते हैं, अभी शुरुआत है, बहुत शुरुआत है, अभी बहुत बेसिक्स कर रहे हैं। और सबसे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इन क्लास में, इस क्लास में ना क्या होता है, पहली बात तो सारे, बहुत सारे लोग कैमरा बंद करके बैठते हैं, और जो कैमरा खोल कर भी बैठे हैं उनका भी मुझे पता नहीं कि इन्होंने पिछली क्लास में कितना किया था और कितना नहीं किया था। ये अपना वो जोड़ पा रहे हैं, ये अपने तार जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जुपिटर, जुपिटर कैसे है? अब जुपिटर मान लीजिए आपके चार्ट में, आपके लोशो ग्रिड में जुपिटर सिंगल टाइम है। जुपिटर क्रिएटिविटी देता है आपको। अगर सिंगल टाइम जुपिटर है तो हम क्या कहते हैं कि जुपिटर की ताकत ठीक ठीक है, सो सो है, 50-60% है चार्ट में, लोशो ग्रिड में जुपिटर की ताकत 50-60% है। लेकिन अगर जुपिटर डबल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, जुपिटर की ताकत पूरी है, फुल फ्लेज्ड है। अगर तीन नंबर तीन बार आ गया तो अब ज्ञान की वजह से अहंकार है। अगर तीन अंक लोशो ग्रिड में तीन बार आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ज्ञान की वजह से अहंकार है। ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। ठीक है, अगर तीन तीन बार आ गया, जुपिटर छह नंबर, अब छह, जब मैं यहां पर तीन और छह के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ बता रही हूं, तो छह नंबर क्या है, छह नंबर वैसे अच्छा है, सिंगल टाइम है, गुड इनफ, अच्छी बात है। छह नंबर जब दो बार आता है तो ये एक परफेक्ट स्टेट है, गुड स्टेट है,
आपको जो चीज जैसे मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी। लेकिन जब 6 3 बार आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ना एग्जैजरेट कर रहे हो आप। 6 नंबर 3 बार आ गया तो आपको जितना मिल रहा है ना सैटिस्फेक्शन, जब 6 3 बार आता है ना तो सैटिस्फेक्शन नहीं आता। प्यार मिल रहा है लाइफ में लेकिन उसके बावजूद सैटिस्फेक्शन नहीं, आपको लग रहा है नहीं कम है, अभी और होना चाहिए। ठीक है, 6 3 बार आ रहा है, आप ना दूसरे लोगों को इतना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे ना, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी फैमिली से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी फैमिली से अगर पूछा जाए तो बोलेंगे ये सफोकेट कर रहे हैं हमको, बहुत ज्यादा सफोकेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा इन्होंने हमारे ऊपर, मतलब अगर उनके बच्चों से पूछ लो जिनका 6 3 बार आता है रोशो ग्रेड में, उनके बच्चों से पूछ कर देखो, बोलेंगे कि इतनी ज्यादा इनको चिंता है ना कि इनकी चिंता हमारे सर का दर्द बन गई है, हमारी इतनी चिंता है ना इनको कि इनकी चिंता हमारे सर का दर्द है। तो बेसिकली 6 नंबर वालों को ना जितना मिल गया उससे ज्यादा चाहिए, जब 6 3 बार आ जाएगा, आप समझ रहे हो, किसी चीज ने नेगेटिव शेड ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने ये तो एक जनरल चीजें बता दी, लेकिन ये चीज कहां से अपना बेसिकली 6 3 बार तो बहुत सारे लोगों के चार्ट में हो सकता है, आप ये देखोगे ये चीज कहां से अपना सोर्स ले रही है, इसको ताकत कहां से मिल रही है, ये कौन सी जमीन, जब ये व्यक्ति पैदा हुआ मान लिया इसके चार्ट में 6 3 बार है, अब 6 3 बार है, पॉजेसिव तो ये है लेकिन ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए पॉजेसिव है, 6 3 बार है, आप देखो शुक्र, जब ये व्यक्ति पैदा हुआ था तो शुक्र कौन सी राशि में चल रहे थे उस समय पर, शुक्र अगर उस समय पर 1 नंबर राशि में चल रहे थे तो व्यक्ति अपने लिए बहुत पॉजेसिव है, अपनी लुक्स के लिए बहुत पॉजेसिव है, अपने बारे में वो बिना खुद को मेंटेन किए से तैयार हुए बाहर नहीं निकल सकता। 6 अगर 2 नंबर राशि में थे तो अभी वो किस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होगा, अपनी फैमिली के लिए हद कंसर्न होगा, 6 यहाँ लोशो ग्रेड में 6 3 बार आ गया, ठीक है पॉजेसिव है, अब पॉजेसिवनेस किस चीज के लिए हद से ज्यादा है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए जहां पर शुक्र आपके चार्ट में जहां से अपनी पावर उठा रहा है, वीनस मार्स के साथ आ गया, लड़की का चार्ट है, लोशो ग्रेड में 6 3 बार है, मार्स पति होता है, जब नंदी नाड़ी में हम देखते हैं तो मार्स पति का कारक है, शुक्र मार्स के साथ आ गया, अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव होगी, वो बाहर जाएगा 6 बार कॉल करेगी, कब वापस आ रहे हो, कित कहां पहुंचे, बताओ मुझे लोकेशन जरा शेयर कर दो मेरे साथ, आप कहां पहुंचे हो ये मुझे, मतलब मुझे पता चल जाए ये चीज, आप समझ रहे हो कि किस तरह से आपने किस तरह से प्रिसाइज करके बताना है कि हाँ ये प्रिसिजन है, मतलब मेरा ये पॉइंट है। तो जैसे से आप इस चीज को ना प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको चीजें और गहराई में समझ में आने लग जाएंगी। 5 नंबर, हम हमेशा बोलते हैं 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, 5 नंबर ये कहते हैं उसे आपके बिजनेस का नंबर है, 5 नंबर बेसिकली 5 नंबर क्या है, 5 नंबर मरकरी है। मरकरी क्या है, मरकरी छोटा प्लैनेट है, छोटी छोटी चीजों के बारे में देखता है, हम बार बार बोलते हैं 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, बिजनेस का नंबर नहीं है, आप समझो इस बात को, बिजनेस में जो जमा घटा होती है ना उसका नंबर है, बिजनेस में जो जोड़ घटा होती है छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो बात करता है ना मरकरी, बेसिकली उसका नंबर है। मरकरी आपका हिसाब किताब रखने का नंबर है, मरकरी हिसाब किताब में उलझा हुआ है, मरकरी एक्चुअल में अकाउंटेंट का नंबर है, हमने उसको बोल दिया बिजनेस का नंबर है। बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको बिजनेस लेन देन का हिसाब किताब रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, अगर आप बिजनेस में लेन देन का हिसाब किताब नहीं रखोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, लेकिन बिजनेस मैन का नंबर नहीं है, माइंड माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट अ नंबर ऑफ बिजनेस मैन,
ये बिजनेस का नंबर है, बिजनेस मैन का नंबर नहीं है, ये बनिया का नंबर है। एक ऐसे बनिया का नंबर जो कि काफी छोटे लेवल पर अपना बिजनेस कर रहा है। क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन, जो आज की डेट में हम जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, आज की डेट में हम जो कहते हैं कि यार ये तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ना अकाउंटिंग नहीं करता बैठकर, ये बनिया का नंबर है। बनिया मतलब जो खुद बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है, ये उस बिजनेसमैन का नंबर है। मरकरी इस जोड़ जमा गुणा भाग, अच्छा इसे इतना लेना है, इसको इतना देना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो मरकरी का डिपार्टमेंट होता है। और आज की डेट में आप जिसको बिजनेसमैन कहते हो ना, बिजनेसमैन ये सब सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करता, वो बहुत बड़ा सोचता है और बहुत बड़ा सोच के उसका ना विजन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा विजन रखता है। अब अगर कोई 5 नंबर वाला व्यक्ति आपके पास आता है, आपको देखना पड़ेगा उसका मरकरी कौन सी राशि से अपनी एनर्जी ड्राइव कर रहा है। अगर एक व्यक्ति जो 5 नंबर वाला है, उसका जो उसका जो मरकरी है, अगर वो एरीज राशि में आकर बैठ गया, अब उसको बहुत इनसाइट है, वो बहुत बहुत बड़ा सोच पा रहा है, वो बिजनेसमैन बन जाएगा। वो फिर बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन है। सिंपली देखकर कह देना आप 5 नंबर हो, अरे आपको तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होगा, आपको तो बिजनेस करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता। 5 नंबर वाला है, बातें करेगा, बिल्कुल बातें करेगा, लेकिन कैसी बातें करेगा, किस जोन की बातें करेगा, वो तो वहीं से पता चलेगा ना कि जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन मरकरी कौन सी राशि में था। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी भ्रांति है, 5 नंबर बिजनेस नहीं, 5 नंबर लेन देन का हिसाब किताब रखने का नंबर है। बिजनेसमैन कहते ना, बिजनेसमैन है, इसको लेन देन का अंदाजा है कि इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है। लेकिन जो बहुत ही बिल्कुल परफेक्टली हिसाब रख सकता है वो मरकरी है। समझ में आया आपको? बिजनेसमैन कौन होता है? जिसको अनडाउटेड सी बात है, जिसको ये आभास है, ये जिसको ये आभास है कि मैंने इसके लिए 2 लाख रुपए का काम करवा रहा हूं, इसे 20 लाख रुपए का निकलवाऊंगा। आभास होता है, मैं कह सकती हूं कि आभास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर 5 नंबर वाले को बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कहीं इसका मरकरी 12वीं राशि में तो जाकर नहीं बैठ गया है। अगर 5 नंबर को पैदा हुआ है व्यक्ति और मरकरी 5 नंबर वो 12 नंबर राशि में जाकर बैठ गया है, नहीं कर पाएगा बिजनेस, वो बहुत छोटी छोटी बातों में उलझा रह जाएगा, बहुत छोटी छोटी बातों में उलझा रह जाएगा, उसका स्कोप ही बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आप किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी देखना, आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको उसका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, कह रही हूँ टाइम ऑफ बर्थ बोलना था, किसी का भी टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपको किसी को का टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए जो आपको न्यूमरोलॉजी में चाहिए। और आप किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हो कि उस दिन जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ, उस दिन ये जो 5 नंबर है या ये जो मरकरी है, ये जो मार्स है, वो किस राशि में थे। बहुत क्लियरली आप सिंपली ये पता लगा सकते हो कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कौन से ग्रह कौन सी राशि में थे, क्योंकि जो ग्रह जिस राशि में होता है, जनरली चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे ग्रह उस दिन वो सेम राशि में रहते हैं, चंद्रमा को छोड़ के। चंद्रमा एक्चुअली हो सकता है सेम राशि में रहे, लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन के बाद अपनी राशि चेंज कर लेता है, तो अगर आप वही 2.5 वाले दिन पर हुए हो आप, तो वो चंद्रमा उस दिन में, 1 दिन में चंद्रमा राशि चेंज कर लेगा 2.5, अगर वो 2.5 दिन है तो। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ये देखिए कि कौन सा व्यक्ति किस दिन पैदा हुआ, उस दिन जब पैदा हुआ
तो वो जो प्लैनेट है वो कौन सी राशि में था, तो वो उस राशि से उस प्लैनेट को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने एक गायत्री मंत्र की वीडियो डाली है, प्लीज उसको देखिएगा, और हो सके तो मैं आप सब लोगों से ये चाहूंगी कि आप उस तरह से जिस जो पैटर्न मैंने बताया है गायत्री मंत्र को पढ़ने का करने का, उस तरीके से एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 दिन भी कर लो आप, सिर्फ 10 दिन कर लो, और 10 दिन के बाद ना मुझे आकर रिजल्ट बताना। 10 दिन छोड़ो, आप एक हफ्ता कर लो, नेक्स्ट वीक में जब हम मिलेंगे ना तो आप सब लोगों को अनम्यूट करके मैं आपसे उसके रिजल्ट्स पूछूंगी जिसने भी उस तरीके से किया होगा, और रिजल्ट्स पूछूंगी, और आप प्लीज बताना मुझे। और वो जो वीडियो डाली है पावर ऑफ गायत्री मंत्र करके, शायद उन्होंने कुछ डाला है उसका टॉपिक वॉपिक एंड ऑल, तो प्लीज उसको देखना जरूर, ठीक है, और उसको देख के करना जरूर, सिर्फ देखना नहीं करना जरूर, और करके फिर बताना मुझे उसके रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए जी, जय श्री राम।